आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। पार्टनर का दिन रात बरसेगा प्यार, पूरी दुनिया छोड़ करके प्यार होगा सिर्फ तुम्हारा। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब प्यार, रिश्ता, रिलेशन, संबंध और विवाह टूटता है। सुबह उठकर शनिवार को चख ले ये चीज, फिर देखे चमत्कार, प्यार पूरी दुनिया से ले जाएगा तुम्हारे लिए। पूरा विश्व छोड़कर होगा सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें करना क्या है, शनिवार को सुबह उठकर ये चीज चख लेनी है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत कर आपको जिताया जाता है। रिश्ता कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, रिलेशनशिप कैसी भी हो, उसे ठीक करना, उसे व्यवस्थित करना, उसे बेहतरीन बनाना और एक आयाम देना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में होता है। रिश्ता कोई भी हो, शादी, विवाह, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ, कुछ भी हो, समस्या चाहे बिटिया दामाद की हो या बेटे और बहू की, नंद, देवरानी, जेठानी, सास, कोई भी रिश्ता होने दो, चाहे तुम्हारे माता पिता के संबंध में कोई बात हो या तुम्हारा अपना बच्चा बिगड़ रहा हो, गलत रास्ते पे जा रहा हो, कुमार्ग पर जा रहा हो, हर एक व्यवस्था में जहां पर रिश्ते और संबंधों और प्यार और मधुरता की जरूरत है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में ये सब काम हो रहा है पिछले 20 साल से। यहां पर 20 साल में ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख, और सक्सेस रेट यहाँ का 10-20-15-50% नहीं है, यहाँ का सक्सेस रेट है 95% प्लस, और ये सब निरंतर जारी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि तुम्हारा विश्वास अटल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा सहयोग और सपोर्ट अविस्मरणीय है, इसमें कदाचित संदेह नहीं कि तुम्हारा प्यार और उल्लास और तुम्हारा प्रेम बहुत मिल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं कि हमारे 4000 लोगों की टीम निरंतर रिसर्च कर रही है गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और बड़े बड़े ग्रंथों पर, और वो पूरी की पूरी व्यवस्था हम आपके साथ निरंतर साझा कर रहे हैं। ये यात्रा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चलती रही, अभी कुछ टाइम सर हम लोग इसको यूट्यूब यानी सोशल मीडिया इत्यादि पर भी चला रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ ही दिनों में हम मिलियंस कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम 1 मिलियन की संख्या कंप्लीट करेंगे। इस परिवार में क्लोज टू 1 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। अब देखिए, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। इसका सूत्रधार डेफिनेटली मैं हूं, लेकिन इसकी सफलता का पूरा श्रेय आपको जाता है। आज मैं कह रहा हूं सुबह उठकर, खास तौर से शनिवार की बात कर रहा हूं। वैसे मंगलवार, रविवार इत्यादि भी किया जा सकता है, लेकिन शनिवार बहुत खास है। शनिवार को सुबह उठकर के ये चीज चख लेना, पूरी दुनिया से लड़ जाएगा आपका प्यार। पूरा विश्व छोड़कर सिर्फ होगा तुम्हारा। तुम जो चाहोगे वो सब संभव होगा। तुम जैसे चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो सब संभव किया जा सकता है, सब संभव बनाया जा सकता है। सारी की सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से करी जा सकती है। आपको कुछ खास नहीं करना, ये वस्तु चख लेनी है मात्र। यद्यपि आपने पुराने समय में ऐसा सुना होगा, बोले अमृत चख के आए हो क्या, तो तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। भाई इन्होंने तो अमरौती चखी हुई है, इन्हें तो कोई रोग लगेगा ही नहीं। अरे भाई इनको कैसे कोई कष्ट हो सकता है, ये तो ऊपर से कुछ खा के आए हैं ना, इन्हें तो भगवान ने अपने हाथों से कुछ खिलाया होगा। ऐसी बड़ी सारी कहावतें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। वो कौन सी अमरौती है, वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा अमृत फल है, वो कौन सी वस्तु है जिसे चख लेने मात्र से पूरा जीवन ठीक हो जाता है। घर की दरिद्रता की बात हो या धन वैभव संपत्ति बढ़ाने की बात हो,
जीवन में रोग से मुक्त होना हो या हमेशा सुखी और समृद्धशाली जीवन जीना हो, बहुत सारा प्रेम पाना हो या अपने प्यार को किसी से वापस पाना हो, अपने ही प्यार को दूर जाने से रोकना हो या दूर गए हुए प्यार को वापस लाना हो, अपने ही प्यार को सबक सिखा के अच्छा मार्ग दिखा के अपना बनाना हो या जीवन पर्यंत के लिए उसका बन जाना हो। अब ये बातें प्यार और रिश्ते और रिलेशनशिप में, विवाह में, सब में बराबर बराबर स्तर पर काम करती है। इसमें कोई भी चीज एक दिशा में काम नहीं करती, ये पूरी की पूरी 96 डिग्री पूरा वर्क करती है। 90 डिग्री पर चीजें एक इक्वलिटी पर आती है। समझने की कोशिश करिए कि आज का उपाय बहुत छोटा है, उसके पीछे का रिसर्च बहुत बड़ा है, उसके पीछे की पूरी व्यवस्था बहुत बड़ी है। आपने सुना होगा और ऐसा जानते भी होंगे, हिंदू परंपराओं के आधार पर सब लोगों को ये बात पता है, सनातनी पद्धति में जो बहुत धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, उन सब लोगों को ये बात पता है कि हम वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिसमें आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। वो पर्व है, एक परंपरा है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसे ऐसा मान लिया जाया करता है। लोग कहते हैं कि जो लोग आंवले का निरंतर सेवन करते हैं उनके जीवन में रोग ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं या कम लगते हैं। लोग कहते हैं कि आंवले को अगर आप रेगुलर सेवन में डाल दें, वैसे तो इसे अमृत फल कहते हैं आंवले को संस्कृत में और वेद में, खास तौर से आयुर्वेद में इसे अमृत फल के नाम से जाना जाता है, अगर आप इसे निरंतर सेवन करते हैं तो दुनिया के जितने भी रोग हैं, कहते हैं एलोवेरा और ये रेगुलर अगर लिया जाए तो स्त्रियों की जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती वो सब समाप्त हो जाती हैं। पर वो लिक्विड जो आता है वो वाला मत लेना, बना कर लेना, क्योंकि भैया मार्केट का कोई भरोसा नहीं, वस्तु तो फायदा करती है, लेबल कभी फायदा नहीं करता, वो चाहे किसी भी व्यक्ति का क्यों ना हो, मैं नाम नहीं लूंगा। आप स्वयं बनाएं, स्वयं पर विश्वास करें इस मामले में और इसका प्रयोग करें स्त्रियों से संबंधित किसी भी रोग को, और पुरुषों के पर्सनल जितने भी रोग हैं या उदर संबंधी किसी का रोग हो, पेट का, ब्लड का कोई रोग हो, मस्तिष्क का कोई रोग हो, सरदर्द का कोई रोग हो कि भाई हमेशा सरदर्द होता है, जब तक चाय ना पी लो, जब तक ये ना खा लो, जब तक वो ना कर लो तब तक ठीक नहीं होता, जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं रहता, उन सब चीज़ों में आंवला बहुत फायदा करता है। आंवले की अपनी बहुत अद्भुत महिमा है। आज हम सच में आंवले के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो उपाय है ये एक टोटका है और एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सीधा फल मिलता है। अभी तक हम उसकी महिमा मंडन कर रहे थे, अब आपको बता रहे हैं इसे कैसे चखना है और क्या करना है, जो करने से आपका अपने जीवन में प्यार बढ़ सकता है, आपके अपने जीवन में 100% प्रेम कूट कर भरा जा सकता है। जान लीजिए पूरा का पूरा विश्लेषण, जान लीजिए वो उपाय, सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक अनुभव सुना रहे हैं आपके बीच से ही, आप जैसे ही किसी व्यक्ति को क्या बेनिफिट हुआ वो आपको सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जी, 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 आपसे जुड़कर आपके पूजा करके अभी मुझसे वो कभी बात करता है। थैंक यू गुरु जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरु जी। और मैं जब भी दुखी होती हूँ आपकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। थैंक यू गुरु जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी आपका आशीर्वाद इस पर हमेशा बनाए रहे गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच टू यू, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी प्रसिद्धि का और तुम्हारी सफलता का कारण है। जो व्यक्ति तुमसे नफरत करता था और जीवन भर के लिए छोड़कर चला गया था, उसने कभी कभी ही सही बात करना शुरू किया, अब वो तुम्हारा होने लग गया है। तुम्हारा विश्वास तो फिर भी एक पटल पकड़ चुका है, एक स्तर पर पहुंच चुका है। अभी तुम्हें जुड़े हुए ही कितने दिन थे, कुछ चंद दिनों में इतना बेनिफिट मिला है, ईश्वर सच में आपको बहुत मानता है और समझता है। आपके जीवन में गुरु भक्ति ने बहुत कुछ दिलाया है, तुम जिस दिशा में चल रहे हो तुम्हें
बहुत कुछ मिल रहा है, जितनी गलतियाँ तुम्हारी बहुत सारी हैं, अभी भी तुम्हें सुधरने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत आवश्यकता है कि तुम खुद भी थोड़ा सुधर जाओ, तुम खुद भी थोड़े ठीक हो जाओ, फिर देखना सब बहुत अच्छा होगा और तुम डेफिनेटली वहाँ तक भी पहुँच जाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। फिर भी तुमने इस भीड़ में इतने सारे लोगों में चुना, जो कहा वो किया, जैसा उपाय बताया वैसा कर रहे हो, थोड़ी त्रुटियां हैं उसे भी ठीक करके आगे अच्छा करोगे, विश्वास रखता हूँ और सब चीज़ों के लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कुछ सुबह उठ करके ये चख लेना, तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शनिवार को ये चीज़ चखने से तुम्हारे जीवन की हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये चीज़ चखते ही तुम्हारे जीवन में बेहतरीन लाभ मिलेगा। ये चीज़ चखते ही तुम्हारे लाइफ में प्यार, मोहब्बत, इश्क, शादी, विवाह, हम जितनी भी इन चीज़ों में समस्याएँ हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती हैं। आपको करना क्या है, सुबह शनिवार के दिन पूरी तरह से स्नान ध्यान इत्यादि करके सब पूजा पाठ जब आपका समाप्त हो जाए तब तक कुछ खाइएगा पीजिएगा नहीं। अब आपको लेना है एक आंवला, आंवले में अलग अलग फांकियां होती हैं, जितनी फांकी हैं हर फांकी में आपको एक एक दांत चुभा के उसे कट करना है और खाते जाना है। अब ये जूठा आंवला जो बचा, इस जूठे आंवले में आपको करना क्या है, एक जूठे आंवले को एक बर्तन में किसी भी ग्लास में, कटोरी में, लोटे में मीठे पानी के अंदर डाल करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके अपनी मनोकामना, अपने प्यार का नाम लेकर के, अपनी इष्ट की शुद्धि समझ करके और गुरु को प्रणाम करते हुए इस जल को सहित आंवले किसी भी बड़े पेड़ पर या किसी सुनसान जगह में मिट्टी में फेंक दें मात्र, इतना करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये ऐसा अद्भुत संयोग है जिसे देवताओं ने कर करके लाभ लिया है। तुम तो इंसान हो, तुम्हें क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा। बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। आपको सकारात्मक होना है, आपको अच्छा चिंतन करना है। क्यों रोते हो, क्यों कमजोर पड़ते हो? कमजोर पड़ने से काम नहीं होगा, काम और खराब होगा। जो भी दुख आए, मुसीबत आए, उसे तटस्थ होके स्पेशल बनकर, थोड़ा गंभीर बन करके उस पर चिंतन कीजिए और रणनीति बना करके जीतने की कोशिश कीजिए। कमजोर पड़ने से नहीं, स्पेशल बनने से काम होगा। कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों प्यारे चलाए गए। सिंह का बाल नबाका हुआ, बकरे की बलि ही चढ़ाई गई। ध्यान रखना, तुम्हें सिंह बनना है, बकरा नहीं, शेरनी और शेर बननी है। कमजोर मत बनिए, हारना थोड़ी, जीतना है ना, जीतने के लिए आगे बढ़िए। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। प्रीवियस लाइफ में बताना, पैसों का आदान प्रदान ब्लू किसी भी सूरत में मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और सकारात्मकता खोद कर निकालिए अंदर से, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। Thank you.